हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं तो फिजिक्स में क्या होता है, यहाँ पर थ्योरी भी है, फॉर्मूला भी है, यूनिट भी है, डायमेंशनल फार्मूला भी है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम लोग फार्मूला को भूल जाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला को भूल जाते हैं। तो बच्चों, आज आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आपको फार्मूला सीट तैयार करना है और इस फार्मूला सीट को आप अपने रूम के दीवार पे या फिर जहां पे आप ज़्यादा सिटिंग होता है आपका, जहां पर आप ज़्यादा बैठते हैं, वहां पर आप इस फार्मूला के चार्ट को दीवार पर लगा सकते हैं या फिर कोई कार्डबोर्ड को अपने सामने रख करके हमेशा आपको देखना होगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप कोई चीज़ को एक बार पढ़ करके चाहोगे कि हम पूरा का पूरा याद रख लें तो ये किसी के साथ नहीं होता है, हम लोग के साथ भी नहीं होता है। आप याद करेंगे तो भूलेंगे ही। तो आपको मैं बताऊंगा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला। फिर अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को कैसे कवर करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला को कैसे कवर करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले को कैसे कवर करना है। तो इसमें मैं चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स के सारे फॉर्मूला के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्या है, चार्ज में आपने जो भी पढ़ा है, चार्ज में, चार्ज आवेश, आवेश आवेश में, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो आपको याद रखना ही है। इसमें कुछ छोटा छोटा टर्म भी बताया गया, जैसे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज में, आवेश के क्वांटमीकरण में आपको बताया गया होगा क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला बताया गया होगा, जहाँ पर क्यू आवेश होता है, चार्ज होता है, एन यहाँ पर इंटीजर है और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ई इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ये फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए, आपको यहां पर बताया जाता है विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, इसका भी यूनिट और डायमेंशन कई बार पूछा गया है। तो स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू बाई एम रेशियो लिखते हैं। अब इसका आपको यूनिट याद रखना होगा, इसका यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा देख लीजिए, चार्ज के लिए लिखेंगे कूलम, मास के लिए लिखेंगे केजी, क्या पढ़ेंगे कूलम पर केजी पढ़ेंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, बीमिया सूत्र हो जाएगा, चार्ज के लिए आप एटी लिखेंगे, मास के लिए एम, एटीएम पर, बहुत अच्छा है ये याद रखना, अभी आसान है, एटीएम पर, एटीएम पर आप याद रखेंगे किसके लिए, स्पेसिफिक चार्ज के लिए। फिर इसके बाद आपको बताया जाता है यहाँ पर आवेश वितरण, आवेश वितरण, आपको बताया जाता है यहाँ पर आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वाले में आप देखे होंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप का बताया गया है आपको, जिसमें सबसे पहला होता है रेखीय, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, दूसरा हो जाता है सततीय, या इसी को आप क्षेत्रीय भी बोलते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण, उसके बाद हो जाता है लास्ट आयतनीय, आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण, ये हो जाएगा। आप इसको बोलेंगे लीनियर, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है सरफेस, सरफेस चार्ज, सरफेस या फिर इसी को आप एरियल भी बोलते हैं, सरफेस या फिर एरियल चार्ज, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हो जाता है ये वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हो गया। अब याद होगा यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड किया जाता है रेखीय, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलने का मतलब क्या होता है,
लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेमडा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी प्रति एकांक लंबाई के आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। आप इसके यूनिट को याद रखेंगे, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर। आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को याद रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ATL पर, ATL पर। लेमडा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ATL पर यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आते हैं, इसीलिए इसको आपको फोकस करना होगा इस पर। अब यहां पर रहा, आगे देखिए सततीय, इसके लिए परिभाषित किया जाता है सततीय, सततीय आवेश घनत्व, सततीय आवेश घनत्व। घनत्व वर्ड ही पर यूनिट के लिए होता है, घनत्व क्या बोलेंगे, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या है, यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश है ये। इसके लिए भी आप याद रखेंगे इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा के लिए ATL पर स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और इधर है आपके लिए आयतनीय, यहां पर परिभाषित किया जाता है आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, रो इक्वल टू लिखते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इक्वल टू हम लोग लिखते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आपको इसका भी यूनिट लिख लेना चाहिए, यहां पर यूनिट, यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम मीटर पर क्यू। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो रो के लिए लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ATL पर क्यू। सब आसान है अगर आप सही ढंग से, एक बार सही ढंग से इसको आप पूरा लिख लें एकदम शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मूला को, यूनिट को, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और वैसे जगह पर रखिए ना जहां पर आपका दिमाग ध्यान हमेशा जाता हो, आप अपने स्टडी टेबल के सामने भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इतना फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आपको चार्ज वाले में याद रखना होगा, चार्ज में ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, वही क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज वाला हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो भी दो तीन फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया, इतना आप अपने फॉर्मूला शीट में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद रहा इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत, विद्युत बल, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वाले में क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रॉपर्टीज सबको, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो आपको याद रहना चाहिए कि कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल्सन होता है, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, लॉन्ग रेंज फोर्स है या शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ये सब जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताया जाता है उसको आपको तो याद रखना ही है। फॉर्मूला रहा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला में आपका क्या है, कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ अगर आप एयर और वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 r2, ये लिखेंगे। ये एयर के लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं, हवा और निर्वात के लिए लिख रहे हैं, तब आप क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 r2। अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है 1/4πε0, तो इसका वैल्यू कितना यूज करते हैं, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, ये यहाँ पर पूरे, ये पूरा टर्म, इस पूरा टर्म के लिए हम लोग कई बार के का भी यूज कर लेते हैं, तो के का वैल्यू कितना, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो यूनिट हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखिएगा, डायमेंशनल
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, के का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देख लीजिए इसके यूनिट को, न्यूटन है फोर्स, एमएलटी पर स्क्वायर, मीटर है लेंथ, एल स्क्वायर, चार्ज है ए टी पर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं के के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कितना, एम एल क्यू टी टू दी पावर पर फोर हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए पर स्क्वायर आ जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, के के लिए, एम एल क्यू टी पर पावर फोर ए पर स्क्वायर। फिर यहां पर एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट भी है, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए आप क्या लिखेंगे, तो यूनिट एंड यूनिट, पहले तो वैल्यू लिख लीजिए इसका, जो भी वैल्यू होता है, वैल्यू होता है इसका 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर। अब यहां पर आप यूनिट लिख लिए हैं, अब आप देख लीजिए यहां पर रिलेट कर लीजिएगा, ये यूनिट और इस यूनिट को देखिए, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, यहां पे कूलम पर स्क्वायर है, ये कूलम स्क्वायर है, यहां पर न्यूटन है, यहां पर न्यूटन पर है, यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां पर मीटर पर है। तो आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बस इन्वर्स कर देंगे जो आप के के लिए लिखे हैं, तो क्या आ जाएगा यहां पर, एम पर एल पर क्यू टी टू दी पावर फोर और ए स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो जो भी कॉन्स्टेंट है कूलम्स लॉ में, उसका यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए हम लोग एफ लिख रहे हैं मीडियम के लिए, ये किसी भी मीडियम के लिए, एयर और वैक्यूम किसी भी मीडियम के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, वहां पे लिखते हैं 1/4π एप्सिलॉन इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब यहां पर जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। तो यहां पर ये जो परावैधता है, इसका भी आप यूनिट लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला पहले, ये किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, एप्सिलॉन आर। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, एप्सिलॉन आर है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। अब ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये होता है सापेक्ष, सापेक्ष परावैधुतांक होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां पर देखिएगा, तो यह भी ध्यान रखना है, एप्सिलॉन आर जो है, ये देख रहे हैं सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। मतलब ना तो इसका मात्रक होगा और ना ही क्या होगा, बीमा होगा। आप कह सकते हैं मात्रकहीन तथा क्या हो जाएगा, बीमाहीन। इसका ना तो मात्रक होगा और ना ही क्या होगा, बीमा होगा। तो जब आप एफ मीडियम लिख रहे हैं, तो एफ मीडियम के लिए आप लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 q2 बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीडियम के लिए हो जाएगा फॉर्मूला। फिर उसके बाद आप यहां पर रेशियो भी याद रख लीजिएगा, एफ मीडियम आप अगर गौर से देखेंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, एफ एयर का है, तो ये हो जाएगा एफ एयर अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो यहां से आप ये भी याद रख सकते हैं कि एफ मीडियम या एफ एयर अपॉन क्या, एफ मीडियम, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बाय 1 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन आर बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, चार्ज से लेकर के कहां तक,
इलेक्ट्रिक फोर्स तक, चार्ज से लेकर के इलेक्ट्रिक फोर्स तक के फॉर्मूला को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि हम थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे थे तो कुछ कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन छुटा भी हो, तो आपको सारे कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में मेंशन करना है आपके फॉर्मूला शीट में। आप इस तरह से फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए। अगर कहीं पर मान लीजिए डाउट आता है तो आप यूट्यूब पर कॉमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में भी आपको अगर डाउट है तो आप कॉमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर एक मतलब डिटेल एनालिसिस के साथ लेक्चर लेकर के आएंगे और पूरे आपके प्रिपरेशन में जितना हमारा एफर्ट होगा वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो इसके लिए है कि आप लोगों को थोड़ा आप अपने अवेयरनेस को भी दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है जिस पर हम लोग काम करते हैं। चलिए थैंक यू, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।